आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। गरीब लोगों को सस्ती दवाएं मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में प्रधानमंत्री औषधि केंद्र की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री औषधि केंद्र की वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने देश भर में जनता से सीधा संवाद किया। जन औषधि केंद्रों पर प्रधानमंत्री के सीधे संवाद को सुनने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता और गरीब तबके को सस्ती और बेहतर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जनता से रूबरू हुए। देश भर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम हिस्सों से जनता से सीधा संवाद किया। ऐसी स्थिति न आए, हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास जन औषधि केंद्र पर दवाइयां 50% से लेकर के 90% तक कम दाम पर मिल रही है। आगरा में जन औषधि केंद्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद को सुनने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्क्रीन लगाई गई जिसमें काफी लोग मौजूद थे। सागंज भोगीपुरा में जन औषधि केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सांसद एसपी सिंह बघेल और पूर्व मंत्री डॉक्टर रामबाबू हरित मौजूद थे। इसके अलावा क्षेत्रीय लोग भी मौजूद थे। सांसद एसपी सिंह बघेल का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी शुरुआत की है, लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। सांसद एसपी सिंह बघेल ने डॉक्टरों से भी अपील की कि वे भी अपने पर्चे पर जेनरिक दवा लिखें जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर मिल सके। इसमें संदेश नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ये बताया जा रहा है जिन लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का पता नहीं था, तो आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं और ऐसा हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में जन औषधि केंद्र है। हमारे आगरा में ही बहुत सारे सेंटर हैं। दवाई के मामले में लोगों का ये तक है कि MRP तक हम लोग नहीं पढ़ना जानते थे और लोकल टैक्स एक्स्ट्रा भी नहीं अंग्रेजी में लिखा हुआ नहीं जानते थे। एक शॉपकीपर ने जो पैसे बोल दिए और एक सफ़ेद कागज पर जो पर्चा बना दिया वो हम लोग देते। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रामबाबू हरित और भाजपा नेता हेमंत भोजवानी का कहना था, जेनरिक दवाओं में वही फार्मूला होता है, जेनरिक दवाएं बेहद कम दामों में मिल जाती हैं, जिसका प्रयोग सभी को करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का पहले मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं भारत की जनता की तरफ से कि उन्होंने बहुत ही ये पुनीत एक कार्य किया कि जो जन औषधि केंद्र हमारे चलाए पूरे देश भर में, इनको और बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा मानता हूँ मैं कि जैसे जो इसके अंदर मेन सॉल्ट होता है वो मेन सॉल्ट इसमें भी होता है और जो ब्रांडेड दवाएं होती है उसमें भी होता है, लेकिन उन्होंने चूँकि एडवर्टाइजमेंट के नाम पर तमाम ऐसे सेलिब्रिटीज़ को, हीरो हीरोइंस को वो करते हैं, आगे उन्हें करोड़ों रुपये देते हैं वो लोग, तो वो उसके हिसाब से ना खर्चा बढ़ जाता है। आज 7 मार्च जन औषधि दिवस है, इसके उपलक्ष्य में आज यहाँ शिवाजी मंडल के कार्यकर्ताओं ने माननीय सांसद जी के साथ में माननीय मोदी जी का उद्बोधन सुना है और निश्चित रूप से जो अभी सांसद जी ने कहा, हम लोगों को जन औषधि केंद्र में जाना चाहिए, वहाँ की दवाएँ लेनी चाहिए, बहुत सस्ती दवाइयाँ बल्कि अच्छी कंपनियाँ और ओरिजिनल है। तो आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि जनता कि यहाँ और जन औषधि कार्यालय पर आएँ और यहाँ पर आकर के दवाइयाँ परचेस करें। जिला अस्पताल में भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है। जिला अस्पताल पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर जी.एस. धर्मेश मौजूद रहे। इसके अलावा अस्पताल में मौजूद मरीज और तीमरदार भी मौजूद थे। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना की तारीफ की। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा जो जन औषधि जो केंद्र देश के अंदर खोले गए हैं, वो उनके द्वारा लोगों को क्या लाभ मिला है, क्या फ़ायदा हुआ है, ज़मीन की दवाइयों की कीमतों में कितनी कमी आई है, उसके संबंध में पूरे देशवासियों से वो बात कर रहे हैं जय। और हमने अभी सुना है कि पूरे देश के अंदर लगभग 6,000 औषधि केंद्र खुल चुके हैं। दवाइयाँ अभी हमने सुना बनारस के उसमें कश्मीर के अंदर जो एक गुलाब नबी जी हैं वो 10,000 रुपये की दवाई प्रतिमा खरीदते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार ने जो जन औषधि दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को बना रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश पे जन औषधि केंद्र लगभग अब तक 6,000 केंद्र पूरे देश में खुल चुके हैं।
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर जेनरिक दवाएं मिलती हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि चिकित्सक जेनरिक दवाएं नहीं लिखते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि मरीज या फिर उनके तीमारदार इन दवाओं की मांग भी नहीं करते हैं, जबकि फार्मूला एक है, केवल अंतर नाम का है। राकेश कनौजिया, सी न्यूज, आगरा।